जो स्टूडेंट सोच रहे हैं जुलाई इनटेक के अंदर आने की, तो भी अपनी प्रॉपर्टी वगैरह, ठीक है, अपनी जॉब्स का क्या सिनारियो है, जॉब्स वगैरह मिल रही हैं नहीं मिल रही हैं, यार सप्लाई चेन का इशू आ जाए, कभी मतलब कि शॉर्टेज चल रही वर्कर की, तो इस वजह से यार उसकी फिर रीज़न क्या है इसी रेंट के प्राइस इतने इंक्रीज होने के। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। उम्मीद है भाई आप सब लोग बड़ी हो गए, तो स्वागत है यार आपका एक नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भाई कि अकोमोडेशन का और जॉब्स का अभी क्या सीन ऑस्ट्रेलिया के अंदर। इस चीज़ के यार मेरे को काफ़ी सारे कमेंट्स भी आऊँ भाई, डीएम्स भी आऊँ कि भाई अभी क्या सिनारियो है, जॉब्स वगैरह मिल रही हैं नहीं मिल रही, अकोमोडेशन का क्या सीन है, तो उन सब की यार कम्प्लीट में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। और जो स्टूडेंट सोच रहे हैं भाई जैसे जुलाई इनटेक के अंदर आने की, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगी। तो भाई मेक श्योर इस वीडियो ना एंड तक देखियो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी सबसे पहले बात करते हैं जैसे कि भाई अकोमोडेशन की, अकोमोडेशन का क्या सीन है, और स्पेशली यार पर्थ के अंदर कि भाई यहाँ पे अकोमोडेशन का क्या सीन है। तो बात करूँगा भाई अगर जैसे कोई 3 बेडरूम या फिर 4 बेडरूम हाउस सोच रहा है लेने की, तो यार उसके प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं भाई एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। अगर लास्ट ईयर जैसे उसके प्राइसेस थे 3 बेडरूम हाउस के जैसे कि $400 पर वीक, अभी हो रहे भाई वो जैसे कि $600 पर वीक, तो $200 तक के इंक्रीज़ हो रहे, और भाई मिलना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि यार ना तो इतनी प्रॉपर्टी भाई रेंट पर लग रही। अगर मैं देखूं कि भाई अगर किसी ने ला रखी थोड़ी बहुत ही प्रॉपर्टी है जो रेंट पर है, और उसके बाद भाई जो एप्लीकेंट आवा यार उन्होंने अप्लाई करने के लिए प्रॉपर्टी में, ठीक है, वो आवा ऐसे कि 20 एप्लीकेंट आ गए, 30 एप्लीकेंट आ गए, तो बंदे बहुत ही ज़्यादा हों भाई जो अप्लाई करने के लिए मतलब किसी भी प्रॉपर्टी को, ठीक। तो इसका क्या सीन हो रहा है यार, ना तो मतलब कि रेंट पर मिल रहे अभी के टाइम में किसी को भी, तो भाई रीज़न क्या है इसी रेंट के प्राइस इतने इंक्रीज़ होने के, और अभी इतना बुरा हाल हो रहा है जो मतलब कि प्रॉपर्टी वगैरह मिल नहीं रही, तो इसके यार कई रीज़न है, ठीक है। अगर मैं बात ही करूँ जैसे कोविड के बाद इतने ज़्यादा मतलब कि बंदे आए कोविड बॉर्डर खुलने के बाद, ठीक है, स्टूडेंट्स भी आए भाई उसमें, परमानेंट रेजिडेंट थे वो भी आए ऑस्ट्रेलिया के अंदर वापस, और जितने टेम्प्रेरी रेजिडेंट्स थे वो भी आए, तो बंदे मतलब कि बहुत ज़्यादा आए और प्रॉपर्टी वगैरह इतनी मतलब कि बिल्डअप नहीं हो रही। अगर फॉर एग्जांपल मैं अपने मेरे एक दोस्त का एग्जांपल लेकर चलूँ, उसने जैसे 2021 के अंदर अपनी प्रॉपर्टी अपना घर बनाना स्टार्ट करा था, और उसका एस्टिमेट था कि भाई वो तकरीबन 9 महीने में रेडी हो जाएगा, ठीक है, और टाइम भी इतना लगा यार जो सा टाइम बनने के लिए, ठीक है, 9 महीने से लेकर 1 साल तक का टाइम लगा, लेकिन यार कोविड के बाद का सारा मतलब कि सर्कल ही घूम रहा। उसने 2021 में स्टार्ट किया था और अभी 2023 है, 2 साल हो गए अभी तक उसका हाउस भाई रेडी नहीं हुआ, और जितना उसने मतलब कि एस्टिमेट कर रखा था कि भाई हाँ इतने पैसे लग जाएंगे बनने में, उससे $50,000-$60,000 एक्स्ट्रा लग लिए, क्योंकि कभी इनका यार सप्लाई चेन का इशू आ जाए, कभी मतलब कि शॉर्टेज चल रही वर्कर की, तो इस वजह से यार उसकी प्रॉपर्टी अभी तक रेडी नहीं हुई। तो यही सीन हो रहा है यार सारा ऑस्ट्रेलिया में, प्रॉपर्टी वगैरह इतनी बिल्डअप नहीं हो रही, ठीक है, और बंदे मतलब कि बहुत ज़्यादा आ रहे, तो इसी करके भाई बहुत ज़्यादा शॉर्टेज चल रही, रेंटल क्राइसिस हो रहे। यहाँ पे अगर कोई परमानेंट रेजिडेंट भी है या फिर सिटीजन भी है जो यहाँ के हैं, इनना भी भाई जो सी प्रॉपर्टी रेंट पर जो सी फाइंड आउट करनी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही भाई। तो यार स्टूडेंट्स के लिए तो ऑफकोर्स यार मुश्किल चीज़ ही है, तो मेक श्योर भाई जो स्टूडेंट सोच रहे हैं जुलाई इनटेक के अंदर आने की, तो भी अपनी प्रॉपर्टी वगैरह, ठीक है, अपना हाउस वगैरह मतलब कि अगर जो देखो आप इंडिया से ही देखियो, जो भी यहाँ पे आपके यार कोई रिलेटिव्स वगैरह या फिर आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं, तो उनसे यार पक्की करवा लियो कि मेक श्योर वो आपके लिए देख के रखे, ये नहीं हो कि भाई आप यहाँ आके देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ आके भी तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा भाई। मैंने यार कई बंदे मिले हैं, ठीक है, जो भाई यहाँ पे जैसे टेम्प्रेरी तौर पर होटल्स के अंदर रह रहे, ठीक है, वो बोल रहे थे कि भाई अकोमोडेशन वगैरह मिल ही नहीं रही, तो यार बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो मेक श्योर यार जो अपनी अकोमोडेशन वगैरह है, ठीक है, वो अपनी इंडिया से ही लेके चलियो। और अब बात करते हैं भाई कि जॉब्स का क्या सिनारियो है, जॉब्स वगैरह मिल रही हैं नहीं मिल रही हैं। जो भाई सिचुएशन आज से जैसे 6 महीने पहले जो स्टूडेंट्स जैसे फरवरी इनटेक में आए या उससे पहले आए, उस टाइम यार जॉब्स वगैरह मिलना मतलब कि बहुत ज़्यादा ईजी था यार कोविड के बाद, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स आ रहे थे, कोई ऊबर ईट्स वगैरह कर रहा था, कोई जॉब्स वगैरह मिल रहा था, यहाँ शॉर्टेज भी चल रही थी वर्कर्स की, इसी करके जो इन्होंने जो स्टूडेंट्स की वर्किंग आवर कंडीशन थी वो भी इन्होंने हटा दी कोविड के बाद, क्योंकि यार बंदों की ज़रूरत थी। अब यार बंदे ऑलमोस्ट सारे फिल हो लिए, जितनी भी सारी जॉब्स वगैरह थे, ठीक है, उन पर ऑलरेडी बंदे सारे फिल हो लिए, तो इसी करके जो ये स्टूडेंट्स की जो वर्किंग आवर कंडीशन है, ठीक है, अभी ये जून के अंदर जो दोबारा लेके आ रहे हैं कि भाई स्टूडेंट्स 20 आवर्स दोबारा मतलब कि वही कंडीशन की 20 आवर्स काम कर सका पर वीक, तो इसका यार स्टूडेंट्स पर जो जुलाई इनटेक के अंदर आएंगे, ठीक है, उन पर इस चीज़ का काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। और जो भाई जॉब्स वगैरह मिलना भी मतलब इतना इजी नहीं है, अगर आप जैसे 10 जॉब अप्लाई करोगे 20 जॉब अप्लाई करोगे उसमें से क्या पता आपको एक का रिप्लाई आएगा या नहीं आएगा, तो ये सिनारियो अभी के टाइम में।
तो आपको जॉब्स वगैरह भाई बहुत अप्लाई करनी पड़ेंगी, 10 जॉब 20 जॉब 30 जॉब जितनी हो सके ठीक है उतनी अप्लाई करनी पड़ेगी। और अपना भाई जो CV है ठीक है, आपका जो रेज्यूमे है वो भी अपडेट रखना पड़ेगा। ये नहीं है कि भाई जैसे आप आ गए और आपको मतलब कि आंधी सारी आपकी जॉब्स लग गई और आपको भाई वीक के कोई जार साफ रहा कोई फिर $1500 साफ रहा, क्योंकि स्टार्टिंग में यार ये माइंड सेट लेके आओ कि भाई यहाँ स्ट्रगल मतलब पूरी करनी पड़ेगी। इतना ईजी नहीं होएगा यार जॉब्स वगैरह ढूंढना, स्टार्टिंग में मतलब कि काफ़ी कुछ फेस करना पड़ेगा। तो इसी करके अगर आपके पास कोई रेज्यूमे वगैरह नहीं है ठीक है, उसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूंगा, आप भाई रेज्यूमे ये डाउनलोड कर लियो। तो इसके अंदर भी आप अपनी जो भी आपके मतलब की डिटेल्स वगैरह ठीक है उन चीज़ उनको एडिट करके आप भाई इस रेज्यूमे का यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास कोई रेज्यूमे वगैरह नहीं है। तो इसमें यही होगा आपको जॉब्स वगैरह काफ़ी अप्लाई करनी पड़ेंगी भाई, तभी जाके किसी जॉब का रिप्लाई आएगा। और मैं अभी की बात करूँ कि किस इंडस्ट्री में अगर मैं होता आपकी जगह तो किस में अप्लाई करता भाई, वो मैं देखता जैसे कि कंस्ट्रक्शन के अंदर। अभी की बात करूँ भाई कंस्ट्रक्शन में जॉब मिलना इजी है एज़ कम्पेयर टू अगर मैं किसी और इंडस्ट्री की बात करूँ। तो इसमें अगर मैं पर्थ की बात करूँ यार, आपको यहाँ अगर कंस्ट्रक्शन के अंदर काम करना है ठीक है, तो आपको एक वाइट कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी भाई। और यह ईजिली है यार आपको मतलब कि अगर एक दिन की क्लास लगाओगे ठीक है 4-5 घंटे की, उसमें आपको वाइट कार्ड मिल जाएगा। उसके बाद भाई आप कंस्ट्रक्शन की कोई भी मतलब की जॉब देख सको, जैसे कि भाई ब्रिक लेयर वगैरह हो गया या फिर कोई और हो गया। और कंस्ट्रक्शन तो अभी यहाँ पे रहेगा यार, क्योंकि जैसे घर वगैरह बिल्डअप होएंगे ठीक है, घर वगैरह बन रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन का काम बहुत ज़्यादा है अगर मैं अभी भी देखूँ ठीक है। तो आपके यार अगले नेक्स्ट 3-4 ईयर्स सिक्योर हो जाएंगे अगर भाई आप कंस्ट्रक्शन वगैरह के अंदर जॉब देखोगे ठीक है। बाकी आप और भी इंडस्ट्री में होटल वगैरह के अंदर जैसे कि अपना रेज्यूमे वगैरह डाल दिया या फिर कैफ़े वगैरह के अंदर दे दिया ठीक है भाई, और भी इंडस्ट्री में अपना काम वगैरह देख सको। तो यही सीन होएगा, इजी नहीं होएगी जॉब वगैरह देखना, मतलब कि इजी नहीं होएगा, लेकिन एट द एंड यार मिल जाएगी ठीक है। टाइम लगेगा आपको मे बी 3 वीक्स 4 वीक्स 1 मंथ, डिपेंड है कि आपके पास आपके रेफरेंस वगैरह है या नहीं है भाई। अगर रेफरेंस वगैरह है, अगर आपको कोई बोल रहा है किसी के पास होगी जॉब्स की अवेलेबिलिटी ठीक है, तो मे बी आपको साथ के साथ लग जाए। और नहीं भाई टाइम तो भाई कुछ कह ही नहीं सकते ठीक है इसमें भाई, ये नहीं है कि आपको भाई एक प्रॉपर टाइम फ्रेम है कि आपको 1 वीक में लग जाएगी या फिर 2 वीक में लग जाएगी। इसमें यही कहूँगा मेक श्योर आपकी भाई जो रेज्यूमे है ठीक है उसको अपडेट रखियो, जिस भी टाइप की आप जॉब्स वगैरह अप्लाई कर रहे हो ठीक है उसी टाइप से उसकी एडिटिंग भी है, उसी टाइप से रखियो आपका जो रेज्यूमे है उसकी। तो भाई यही सीन है अभी जॉब्स का। और भाई अकोमोडेशन का, अकोमोडेशन का आपको बता दिया मैंने, इंडिया से फाइंड आउट करना। और भाई जॉब्स वगैरह का आपके रेज्यूमे वगैरह को अपडेट कर लियो ठीक है, और उसके बाद भाई जितना ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा जॉब्स वगैरह अप्लाई करियो यार, कोई 1-2-3 जॉब लग ही जाएगी ठीक है। ये नहीं होगा कि भाई आपको बिल्कुल ही नहीं लगने के ठीक है, लग जाएगी लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा भाई, जॉब्स थोड़े एफर्ट तो भाई डालने पड़ेंगे इस चीज़ में, तभी जाएगा यार आपको कोई जॉब्स वगैरह मिलेगी। तो यही सीन था भाई अभी ग्राउंड रियलिटी का, ऑस्ट्रेलिया की जो भी जॉब्स का और भाई अकोमोडेशन का। अगर भाई आपका कोई और क्वेश्चन है ठीक है ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड, तो मेक श्योर नीचे कमेंट बॉक्स में बता दियो, मैं कोशिश करूँगा भाई नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर बनाने की। और भाई मेक श्योर चैनल ना सब्सक्राइब भी कर लियो अगर आप चैनल के ऊपर नए आए हो।